रुक करते हैं भिवंडी के कोमलपाड़ा, जहां पर आई गांव देवी मंदिर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। लोगों का लंबा कतार, एक लंबी तादाद देखने को मिली। विशेष तौर पर आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से आरआर फाउंडेशन द्वारा भिवंडी शहर में कई ऐसे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। इस बार भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आरआर फाउंडेशन संयुक्त वेदांत हॉस्पिटल के सहयोग से कोकण ट्रस्ट आरएसपी यूनिट 2 द्वारा मुफ्त में आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फ्री में हार्ट चेकअप, रक्तदान के लिए वहां पर रक्तपेटी के कई ऐसे एनजीओ के लोग उपस्थित थे। और वहीं हम आपको बता दें कि इस मेडिकल कैंप में शरीर के सारी बीमारियों के इलाज भी किए गए। देखा जाए तो भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है, स्वास्थ्य के लिए कोई अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, क्योंकि गरीब तबके का यह भिवंडी शहर है। इस शहर में मजदूर तबके के लोग ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन बात की जाए इलाज की तो अपने इलाज को कहीं ना कहीं वो अनदेखा कर अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में लगे रहते हैं। लेकिन इसी तरह कई ऐसे सामाजिक संस्था और कई ऐसे राजनीतिक दल के लोग फ्री में आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो जाए, चाहे शरीर की कोई भी बड़ी बीमारियों के लिए हर वो कैंप का आयोजन करते हैं। इसी तरह आज जो हम आपको दिल्ली से दर्शा रहे हैं, आरआर फाउंडेशन के संयुक्त से जो है वेदांत हॉस्पिटल ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मेडिकल कैंप को सफल बनाने में लगे रहे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस मेडिकल कैंप के दरमियान वहां पर उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भिवंडी शहर के प्रथम नागरिक महापौर प्रतिभा विलास पाटिल के सुपुत्र जय पाटिल, साथ ही साथ समाज सेवक मयूरेश पाटिल भी दिखाई दिए। आरआर फाउंडेशन के सभी युवा वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें हम आपको बता दें कि ऋषभ पांडे, कृष्णा दसौले, जय खोटे, स्वप्निल पवार और अजय, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हैं वहां पर समाज सेवक मयूरेश पाटिल ने अपने वक्तव्य में इस मेडिकल कैंप के बारे में जानकारी दी और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। शिवाजी महाराज के जन्म तिथि पे हमने ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया और आरआर फाउंडेशन दूसरी मरतबा एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। फर्स्ट टाइम हमने जो सरकारी योजना होती है उस सिलसिले में हमने पिछले शिव जयंती में ऑर्गेनाइज किया था और इस साल ब्लड कैंप, मेडिकल कैंप ऐसे ऑर्गेनाइज किया। जानकारी देंगे इस मेडिकल कैंप में किन किन बीमारियों का इलाज हुआ और यहाँ पर और भी कौन से, मतलब कौन से हॉस्पिटल ने आपको समर्थन दिया, साथ दिया? विदाद हॉस्पिटल का बहुत ही सहयोग रहा इस सिलसिले में और आईजीएम का भी बहुत सपोर्ट रहा और आरएसपी यूनिट में इन्होंने भी सपोर्ट किया है। और इस कैंप का उद्देश्य ऐसा था कि जो भी बीमारी आजकल ज़्यादा है उसमें आई गई खांसी सर्दी हो गई जो नॉर्मल बीमारी है, और आई चेकअप हुआ, ब्लड चेकअप हुआ, ईसीजी, ये सब चेकअप यहाँ किए गए। मतलब शुल्क लगा या निःशुल्क? निःशुल्क किया गया। और वेदांत हॉस्पिटल ने हमें एक उनकी तरफ से एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया है, कैसे कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी चेकअप्स होंगे और उसमें अगर हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी अगर दिखती है मरीज में तो उसका निःशुल्क हम वेदांत हॉस्पिटल करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एनजीओ का जिन्होंने इस ब्लड कैंप में सपोर्ट दिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मैं आरआर फाउंडेशन के सभी मेम्बर्स का, क्योंकि मैं आज ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, मैं पिछले 15 दिन से बाहर था, पर जो भी टीम मैनेजमेंट टीम वर्क था ये सब आरआर फाउंडेशन के सभी मेम्बर्स ने किया, और इन्हीं का धन्यवाद मैं एक समाज सेवक के नहीं तो एक दोस्त के नाते करना चाहता हूँ। रक्तदान आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, लोगों को इसके फायदे के बारे में नहीं पता, इसकी वजह से बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि हम रक्तदान क्यों करें, किस लिए करें। बट हमने आरआर फाउंडेशन के जो मेन है मयूर जी, उनसे बात की और इनको डिस्कशन किया कि रक्तदान के क्या फ़ायदे होते हैं, जिससे इन्होंने लोगों को और प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और रक्तदान करें। रक्तदान में मेन फ़ायदा ये होता है कि अगर एक इंसान ब्लड देता है तो उससे 4 जिंदगी बचती है, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें आप लोगों को पता भी चलता है कि किनको कोई गंभीर बीमारियाँ हैं, जैसे HIV, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियों के बारे में पता चलता है। इस वजह से हमने ये कोऑर्डिनेशन करके इनके साथ एक रक्तदान का एक आयोजन किया था। और हमारी जो स्टाफ हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो दीपिका और जागृति, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, इनसे कोऑर्डिनेट करके इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया आज के समय में। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था या इस जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएँ
और हर लोगों तक ये मदद पहुँचाए कि जब भी आप अगर, क्योंकि ये ब्लड ऐसी चीज़ है जो कहीं बनती नहीं है, आपको हमेशा इसको किसी के देने और किसी के लेने, यही एक पैरेलल चलता रहता है। इसलिए जितने ज़्यादा लोग रक्तदान करेंगे उतना ही लोगों को फायदा होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।